अकाल तख्त साहब जो जथेदार जी ने वो एक धार्मिक स्थान है, पूजन योग स्थान पर बैठे है, जिहड़ा फरमान जारी करते हैं जिन्ने भी संगत हो गई जिन्ने भी धार्मिक संगठन जो भी जिन्हें आगू हो गए उन्होंने विचार जो सुनते हैं तो उत्ते जो उन्होंने फॉलो करते तो जोड़ा ये विचार विचार है बहुत ही भड़काऊ एक हैगा बयान है जोड़ा हथियार प्रमोट कर रहे हैं उम्मीद तो कहें कि जो गाने वाले वो प्रमोट कर रहे हैं पर जो जथेदार जी का बयान है कितना कि राजनीति तो प्रेरित बयान है ये बहुत ही पंजाब का माहौल खराब हो सकता असं इस बयान की बहुत निंदा करते और असी पिछले दिन भी मानयोग एस एस पी साहब को असी एक मंग पत्र दिता सी डी जी पी साहब के नाते तो जिहड़ा अकाल तख्त जथेदार ने हरप्रीत सिंह जी उत्ते जिहड़ा कानूनी कार्रवाई की जाए इस बयान के विरुद्ध की तुहानू लगता है कि उन्होंने जिहड़ी पंजाब दी नौजवानी उन्होंने कुराहे पाया जा रहा है इहो जिहे बयान दे के इस तरह के नाल देखो ना जिहड़ा पंजाब दा नौजवान है पहला यूथ साडा किन्ना गुमराह हो चुकिया पहला नशे के नाते पंजाब बदनाम हो गया हुण गैंगस्टर के नाते पंजाब जिहड़ा बदनाम हो रहा पंजाब दे विच असला आए दिन इन्ना फड हो रहा कि तुसीं मैं बयान नहीं कर सकता जां तां मैं मन्ना ना पहला ज्ञानी जी नूं मैं एक बेनती करदा पहला अपने परिवार के जिन्हें उन्होंने हैगे ने ना उनके बच्चे हैगे ने जां ब्रदर हैगे ने उन्होंने लाइसेंस बनवा लो फिर मैं मनूंगा कि हाँ वो बयान सही दे रहे हैं कितने ना कि ठंडे दिमाग में सोच जिहड़ा उन्होंने बयान है एक राजनीति तो प्रेरित बयान है बहुत ही घटिया बयान है उहदे बयान एक धार्मिक स्थान पर बैठ के जिहड़े आगू नूं देने शोभा नहीं दिंदे ये देखण चाह रहे कि जदों सत्ता दे विच श्रोमणी अकाली दल दी सरकार सी जां कांग्रेस दी सरकार सी उदों सिंह साहब दे वल्लों इहो जिहा कोई बयान नहीं दिता गया हुण जदों आम आदमी पार्टी सरकार है तां उहनां दे वल्लों इहो जिहे बयान दित्ते जा रहे आ की कहना चाहोगे जिहड़ा इह है किते ना किते मैं कहूंगा जदों अकाली सरकार सीगी इह उहनां दी भाईवाल दी एसजीपी सी अकालियां दे अंडर आउंदी है जी ठीक है जी जिहड़ा दूजा हैगा इह आम आदमी पार्टी नूं जिहड़ा उहनां दे लक्ष तों भड़का रहे ने ठीक है जी पंजाब दा माहौल खराब कर रहे ने अते कितने ना कितने जिहड़ा इह माहौल खराब करना ते ओह पार्टी नूं जिहड़ा अपने लक्ष तों भड़काना और पंजाब के हालात जान बुझ के खराब करने लिए बयान दिए जा रहे हैं क्योंकि हुण जिहड़ी आम अकाली दल पार्टी हैगी सत्ता है नहीं सो इहो जिहे बयान तां दे रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जिहड़ी उहदा जिहड़ा जो भी उहदी सोच है जो काम कर रहे ने उह अपने उहदा लक्ष जिहड़ा भड़का रहे ने ते बहुत ही निंदणयोग बयान दे रहे ने माहौल खराब करन वाला बयान दे रहे ने जे गल की जाए पंजाब के मौजूदा हालात की तो दिन प्रतिदिन पंजाब के हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं किनूं दोषी मानते हो जी पंजाब के हालात के विच देखो जिहड़ा हुण किते ना किते दोषी आम लोग भी हैगे ने जे नशा बिक रहा पंजाब के विच हर एक व्यक्ति नशा नहीं करता भी हैगे ने जे नशा बिक रहा पंजाब के विच हर एक व्यक्ति नशा नहीं करता मैं कहना मैं नशा नहीं करता जेकर चिट्टा कितने बिक रहा मैं कहता जब कोई भी गैर कानूनी काम हो रहा सानू उहदी इतलाह अपने नजदीकी थाणे च देनी चाहीदी जिहड़ा साडा पंजाब दा नौजवान है जां पंजाबी साडे लोक ने उह भी अपने फर्जां तों कितने ना कितने भज रहे ने हांजी पहला जिहड़ा ज्ञानी जी वल्लों इस बार बयान दिता गया दूजी बारे 6 जून नूं बयान दिता गया शरेआम खालिस्तान जिंदाबाद दे नारे लग रहे ने पहला ही साडा जिहड़ा पंजाब है किन्ना संताप भोग चुक्या इस खालिस्तान के मुद्दे से आतंकवाद के नाँ से किन्ने निर्दोष लोग मरे किन्या मामा के पुत मरे किन्या भैन के भाई मरे किन्ने सस्सां के जवाई मरे मैं बयान नहीं कर सकता एक खालिस्तान लहर करके अज उस लहर को दोबारा जिंदा किया जा रहा बड़े दुख की गल है बड़े शर्म की गल है पंजाब का जिहड़ा असली पंजाबी है असली सिख है असली हिंदू असली मुसलमान असली ईसाई कोई भी नहीं वक्ख होना चाहता ये लोग अपनी राजनीतियां कर रहे हैं पहला अज तक कदे अकालियों नूं बंदी सिंघां दी याद नहीं आउंदी पंजाब दे विच राजूवाणी दी भैण नूं इक अत्तवादी दी भैण नूं इलैक्शन लड़ा रही है पार्टी क्यों नहीं पंजाब दा माहौल खराब हो रहा ये बंदी सिंह जिन्होंने बंदी सिंह कह रहे ने उन्होंने लखां लोग निर्दोष मारे उन्होंने हाथ जे लखां निर्दोष लोगों के खून नाल रंगे गए ने ते ये उन्होंने छुड़ाने दी गल्लां करदे ने हुण सरकार ते दबाव बनाना चाहते हैं सिर्फ एक वोट बैंक की खातर और पंजाब दा माहौल खराब करने की खातर जो कि बहुत ही निंदणयोग गल्लां ने इहो जिहे बयान एक धार्मिक स्थान पर बैठ के देने और आ बंदी जिहड़े सिंह कह रहे ने अत्तवादी मैं उन्होंने अत्तवादी कहता मैं बंदी सिंह नहीं कहता बंदी सिंह तां होंदे जो ना पंजाब की अमन शांति लिए कुछ किया होंदा उन्होंने निर्दोष लोग मारे लखां वह किवें सिंह हो गए सिंह होंदा खालसा शुद्ध खालस का मतलब ठीक है जी पर यह लोगों ने होर ही राह बढ़ले हुए ने कदे इन्हों छड़ाण दे गल्लां करदे कदे यात्रावां कढ़दे ने कदे मार्च कढ़दे ने जो तुसीं देखा 6 जून जिहड़ा 6 जून नूं इको आतंकवादी भिंडर वाला सी खालिस्तानी जिहदी वजह दे नाल मैं कहिंदा अकाल तख्त ते हमला होया सी अकाल तख्त जे ढह ढेरी होया सी तां किसे होर दे कारण नहीं ओह जरनैल सिंह भिंडर वाला दे कारण होया सी
जो पिंडरांवाला ते जाके ना रुकता उत्ते हमला ना हुंदा अकाल तख्त ना टहिंदा वह बंदा उत्थे लुकिया उन्हें उहदी वजह नाल अकाल तख्त ते उन्हें अंदरों गोलियां चलाईयां फिर साडी फौज नूं मजबूरन बाहरों फायरिंग करनी पई। ओही 6 जून नूं हर 6 जून नूं इह जाके उत्थे जुलूस कढ़दे ने जलसे कढ़दे ने खालिस्तान जिंदाबाद दे नारे लांदे ने नंगियां तलवारां लहराउंदे ने एक करना की चाहते ज्ञानी जी का बयान है कि हर सिंह हथियार रखो लाइसेंसी मारना किनू चाहते ने उन्होंने कितों डर है साढ़े पंजाब के जो मैं देखता आ रहा साडा जिन्ने भी सीएम बने हुण तक साढ़े पंजाब के सरदार बन साडा जिहड़ा पंजाब है किन्ना संताप भोग चुकिया इस खालिस्तान के मुद्दे से आतंकवाद के नाते किन्ने निर्दोष लोग मरे किन्निया मावां के पुत मरे किन्निया भैणां के भाई मरे किन्ने ससां के जवाई मरे मैं बयान नहीं कर सकता एक खालिस्तान लहर करके अज उस लहर नूं दुबारा जिंदा किया जा रहा बड़े दुख की गल है बड़े शर्म की गल है पंजाब का जिहड़ा असली पंजाबी है असली सिख है असली हिंदू असली मुसलमान असली ईसाई कोई भी नहीं वख होना चाहता ये लोग अपनी राजनीतियां कर रहे हैं पहला अज तक कदे अकालियों नूं बंदी सिंघां की याद नहीं आती पंजाब के राजूवान की भैन नूं इक अतवादी की भैन नूं इलेक्शन लड़ा रही है पार्टी क्यों नहीं पंजाब का माहौल खराब हो रहा यह बंदी सिंह जिन्होंने बंदी सिंह कह रहे हैं उन्होंने लखां लोग निर्दोष मारे उन्होंने हाथ जो लखां निर्दोषा निर्दोष लोगों के खून रंगे गए हैं तो यह उन्होंने छुड़ाने की गल्लां करते हैं उन्हें सरकार से दबाव बनाना चाहते हैं सिर्फ एक वोट बैंक की खातर और पंजाब का माहौल खराब करने की खातर जो कि बहुत ही निंदनयोग गल्लां ने इहोजे बयान एक धार्मिक स्थान से बैठ के देने और आ बंदी जिहड़े सिंह कह रहे हैं अतवादी मैं उन्होंने अतवादी कहता मैं बंदी सिंह नहीं कहता बंदी सिंह होंगे जो पंजाब की अमन शांति लिए कुछ किया होंगे उन्होंने निर्दोष लोग मारे लखा वह किमें सिंह हो गए सिंह होंगे खालसा शुद्ध खालस का मतलब ठीक है जी पर यह लोग ने होर ही राह बढ़ले हुए ने कदे इन्होंने छुड़ाण के गल करते कदे यात्रावान कटते ने कदे मार्च कटते ने जो तुम देखा 6 जून जिहड़ा 6 जून में एको आतंकवादी पिंडरांवाला सी खालिस्तानी जिहदी वजह दे नाल मैं कहिंदा अकाल तख्त ते हमला होया सी अकाल तख्त जे ढह ढेरी होया सी तां किसे होर दे कारण नहीं उह जरनैल सिंह पिंडरांवाला दे कारण होया सी जे उह पिंडरांवाला उत्ते जाके ना रुकदा उत्ते हमला ना हुंदा अकाल तख्त ना टहिंदा उह बंदा उत्थे लुकिया उहनां उहदी वजह नाल अकाल तख्त ते उहनां अंदरों गोलियां चलाईयां फिर साडी फौज नूं मजबूरन बाहरों फायरिंग करनी पई उही 6 जून नूं हर 6 जून नूं इह जाके उत्थे जुलूस कढ़ते ने जलसे कढ़ते ने खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लाते ने नंगिया तलवारा लहराते ने एक करना की चाहते ज्ञानी जी का बयान है कि हर सिंह हथियार रखो लाइसेंसी मारना किनू चाहते ने उन्होंने कितों डर है साढ़े पंजाब के जो मैं देखता आ रहा साडा जिन्ने भी सीएम बने हुण तक साढ़े पंजाब के सरदार बनते आ रहे हैं जिस स्टेट का सीएम पंजाब हो मैं नहीं कहता उस कौम किसी फिर किसी तो भी खतरा हो सकता पंजाब का माहौल बिगाड़ के सियासी रोटियां सेकण वाले सियासतदानों की कहोगे जी मैं सियासतदानों को एक बेनती करता जिहड़े वो लोगों को कह रहे हैं हथियार चको पहला अपने घर वाले चुका के देखण कि किरपा बीतती है उन्होंने पुछो जिन्हां दे घर बर्बाद हो गया आतंकवाद के वेले जिन्होंने हथियार चके सी अज वह पछता रहे हैं पर यह लोग जान बुझ के अपने सियासी रोटियां सेकण के लिए पंजाब नूं फिर काले दौर के विच धक रहे हैं।